कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। धवल सेठ जब श्रीपाल को समंदर में फेंकने की योजना बना रहा था, तब चार में से तीन मित्रों ने भी योजना में सम्मति प्रदान की, जिससे चकेश्वरी देवी ने भी उन सब को पर्चा दिखा दिया। अंजना सुंदरी पूर्व के भव में रानी थी और सौतन रानी पर भारी ईर्ष्या के कारण उसके गृह मंदिर से जिन प्रतिमा की चोरी करके विष्टा संपन्न स्थान पर रखती थी, इस कार्य में उसकी सखी ने भी साथ दिया था, तो उसने भी इस प्रकार कर्मबंधन किया कि अगले भव में उसे भी अंजना सुंदरी की सखी वसंत तिलका बनकर वन में भटकना पड़ा। पापी कृत्य तो मन को कलुषित करता ही है, किंतु पापी आत्मा के साथ वार्तालाप करने से भी उसके पाप में सम्मति खुशी बताने से वह कृत्य भी मन को कलुषित करता है और भयंकर पाप कर्म का बंधन करवाता है। तभी तो आज के काल में वार्तालाप की आदत रखना व्यर्थ है। जीव को होता है कि कुछ बातें सुनेंगे तो कुछ जानने को मिलेगा, किंतु जीव यह नहीं जानता कि कुछ न जानने से जो नुकसान नहीं है, वह नुकसान पाप व कषाय की बातों में स्वसम्मति प्रदान करने से है। अतः व्यर्थ बातों से दूर रहने में ही भलाई है। करी सके ना कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा।